हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो लॉग साइन ए एक्स बाई लॉग साइन बी एक्स। ए और बी वो जीरो से बड़े हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स को जीरो से अप्रोच करवाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती और लॉग जीरो इन्फिनिटी, डिवाइड में भी इसी प्रकार। तो हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ओके, देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल रूल का यूज करूँगा, बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके, ये रूल क्या है, देखिए अगर हमें दियो लिमिट एक्स टेंड टू ए, फंक्शन है हमारा एफ एक्स बाय जी एक्स, और अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारी फॉर्म बन रही हो जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम ये एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं और एफ एक्स की जगह लिमिट एक्स टेंड टू ए डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ओके, ये कर सकते हैं और फिर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसी पर हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या है, लॉग साइन ए एक्स। तो ये एल हॉस्पिटल रूल इस लिमिट पर अप्लाई कर लेता हूँ मैं। ओके, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन ए एक्स बाय डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन बी एक्स। ओके, देखिए इनका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो लॉग, पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे हम, क्या होगा वन अपॉन साइन ए एक्स। ओके, फिर हम लॉग का डेरिवेटिव कर लिया मैंने वन अपॉन साइन ए एक्स, फिर इस साइन ए एक्स का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस ए एक्स, फिर हम इस ए एक्स का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू ए एक्स का वन हो जाएगा। इसी प्रकार डिवाइड में यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन बी एक्स, और फिर साइन बी एक्स का करेंगे तो कोस बी एक्स, और फिर बी एक्स का करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा बी। ओके, ये हमने डेरिवेटिव कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास कोस ए एक्स बाय साइन ए एक्स क्या हो गया, ये कोट। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कोट ए एक्स, और ये ए ये यहाँ पर आगे लिख देता हूँ मैं। ओके, डिवाइड में यहाँ पर इसी प्रकार कोस बी एक्स बाय साइन बी एक्स क्या हो गया कोट बी एक्स। ओके, और बी ये आगे लिख देता हूँ, कोट कोट को हम 10 में चेंज करेंगे तो 10 में चेंज कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए बाय 10 ए एक्स, और यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा ये बी बाय 10 बी एक्स। ओके, इस कोट को भी मैंने 10 में लिख दिया है, इस कोट को भी। ओके, क्योंकि कोट कोट एक्स हमारा क्या होता है 1 अपॉन 10 एक्स। ओके, कोट एक्स किसके इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन 10 एक्स के। तो इसका यहाँ पर यूज किया है मैंने। अभी देखिए अभी मैं यहाँ पर इन टर्म को मैं जो डिवाइड में उसे ऊपर ले आता हूँ, जो ऊपर है उसे डिवाइड में ले आता हूँ। इसको इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेन टू जीरो ओके ए टेन ए एक्स है, इसको एज इट इज इंटू मल्टीप्लाई में इसको ले आता हूँ मैं ऊपर, तो ये टेन बी एक्स ऊपर आ जाएगा हमारा, टेन बी एक्स बाय इसके ऊपर भी है तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर एक एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, एक एक्स से डिवाइड करूँगा क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं, एक्स से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किए
डिवाइड किया है और x से मैंने यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई किया है। ओके, इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देता हूँ मैं। इस फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई करूंगा, इस फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई करूंगा। तो देखिए, लिमिट x टेन टू 0 ax बाय 10 ax इंटू, इस फंक्शन पर मैं अलग लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट x टेन टू 0 10 bx बाय bx। ओके, देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट का केस भी मैं यूज करूँगा, लेकिन पहले मैं इस फंक्शन को ऐसे इस प्रकार लिख देता हूँ, लिमिट x टेन टू 0 ax है, ax इस 10 के डिवाइड में ले आता हूँ मैं, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 10 ax बाय ax। ओके, और इस फंक्शन को एज इट इज रहेगा ये, लिमिट x टेन टू 0 10 bx बाय bx। ओके, देखिए अभी मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट का केस यूज करूँगा, लिमिट अगर हमारी x टेन टू 0 हो, फंक्शन हो हमारा 10 ax 10x बाय x, तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर x 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर भी x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ax भी यहाँ पर 0 को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा तो हमारा ax है, यहाँ पर ax भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ओके, क्योंकि ax भी 0 हो जाएगा अगर x यहाँ पर 0 रखेंगे, तो ये भी लिमिट हमारी 1 के इक्वल होगी। इसी प्रकार यहाँ पर x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर bx भी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये भी लिमिट हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के। ओके, इस आई स्टैंडर्ड लिमिट के केस के यूज से, तो 1 × 1 ये लिमिट हमारी 1 के इक्वल है, इंटू ये लिमिट भी हमारी 1 के इक्वल है, तो हमें क्या मिल रहा है आंसर, 1। तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है, 1 के। ओके, थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।